हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। मेरे चैनल सिस्टर ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी आज मैं आपको एक वार्डरोब दिखाने वाली हूँ प्लास्टिक की, जो मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से। तो मैं उसका आपको सारा डिटेल आपको बताऊंगी और मैं उसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसा लिया है, क्यों लिया है उसे, और उसमें मैं क्या रख रही हूँ अभी उस वार्डरोब में। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाऊंगी। तो प्लीज आप इसे एंड तक देखिएगा, और मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं कैसा है ये मेरा वार्डरोब। तो चलिए फ्रेंड, मैं दिखाती हूँ। मैंने जो वार्डरोब लिया था वो यही है पूरा, आप देख लीजिए पूरे अच्छे तरीकों से। और ये देखिए, इन्होंने इसके साथ ये कवर भी ये दिया है। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ ये कैसा है। ये मैंने इसका चेन जो है वो ओपन कर दिया है। अब ये देखिए, इसमें मैंने क्लॉथ रखा है। तो इसमें मैंने सारे अपने बेबी के क्लॉथ को इसमें रीअरेंज किया है, सारे को रखा है। तो इसमें टोटल मुझे जो रेक दिए गए हैं, 6 रेक मुझे मिले, 1, 2, 3, 4, 5 एंड एक 1 जो है इधर 6 है। इसमें मैंने अपने बेबी के सारे जो सामान है इसे मैंने इसमें डाला हुआ है, जितना ज्वेलरी वगैरह जो बेबी के हेयर एक्सेसरीज वगैरह है सारे को मैंने इसमें रखा हुआ। और फ्रेंड्स, बताना चाहूंगी इसके साइड में एक पॉकेट भी दिए हुए हैं और एक साइड इधर भी पॉकेट दिया हुआ है। तो इसमें मैंने इसके सॉक्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल है, तो आप इसे ले सकते हैं। और इसके क्लोथ का भी क्वालिटी भी अच्छा है। और ये मटेरियल जो है ये प्लास्टिक में है, ये मुझे पूरा निकला हुआ सारा मिला था रेक वगैरह, जिसे मैंने असेंबल किया था, तो फिर इसको मैंने ऐसा बनाया है। अब ये इसको मैं बता दूँ, ये मूवेबल है, इसमें देखिए ये व्हील्स लगे हुए हैं, तो आप इसे आसानी से हटाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर आपको वास वगैरह भी करना है तो ये क्लोथ को आप खोल के आप इसे वास वगैरह भी कर सकते हैं। और आपको जैसे घर का क्लीनिंग वगैरह करना रहता है साफ सफाई वगैरह के लिए, तो नीचे में यहाँ पे स्पेस है, तो आप इसे नीचे में वो कपड़े डाल के आप इसे पोंछ सकते हैं। तो ये काफी हद तक मुझे बहुत बेटर लगा। तो इसको आप यूज दो तरीके के लिए या बहुत सारी चीज रखने के लिए भी कर सकते हैं। आप इसमें चाहे बच्चों का कॉपी किताब भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे किचन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम डिब्बे वगैरह रख सकें। तो ऐसा है कि इसमें कोई भी सामान जो है वो दिखता नहीं है बाहर की ओर, वो सारा अंदर झका हुआ रहता है। तो ये मुझे बेस्ट लगा, तो आप इसे लीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। खास करके जो रेंट पे जो रहते हैं लोग, तो उनके लिए ये वार्डरोब जो है वो बहुत। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये वार्डरोब कैसा था, तो बताना चाहूंगी ये बहुत ही अच्छा है, आप लो ये बेस्ट रहेगा। और ये जो रेंट पे जो रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें असेंबल करना भी आसान है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पोर्टेबल करना भी बहुत इजी हो जाता है। तो ये भारी भी नहीं है, और बाद में ऐसा अगर ये कुछ डैमेज होता है या फिर इसके क्लोथ खराब भी हो जाते हैं, तो आप इस रेक को आप किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं बाद में, जैसे प्लांट वगैरह इसको लगा के सजा सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। तो ये हद तक काफी अच्छा है, तो आप इसे लो। हाँ, फिलहाल तो मैंने इसमें अभी बेबी लोग के कपड़े वगैरह रख दिए हैं, तो एक जगह रहता है तो वो सही रहता है, नहीं तो ऐसे क्या होच पोच हो जाते हैं सारे कपड़े वगैरह, कभी सूज कभी इधर चला जाता है उधर, तो मैंने एक जगह रख दिए हैं सारे, तो ये बेटर है।
तो मैंने इसलिए लिया और मैं सोच रही हूँ दो और लूँ, एक किचन के लिए भी लूँ और एक मैं अपने ज्वेलरी वगैरह या जो कॉस्मेटिक के सामान वगैरह रहते हैं तो उसको रखने के लिए भी ये बेटर रहेगा। तो मैं आगे उसे मंगाऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो को सो मच और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें प्लीज।